हेलो एवरीवन, आज हम ल्यूसन जीके से पढ़ेंगे होम रूल मूवमेंट। सबसे पहले जान लेते हैं रीजंस क्या है। सबसे पहला रीजन है वर्ल्ड वॉर 1, और उसमें इंडिया ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। तो वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश, फ्रांस, रशिया, यूएस, इटली और जापान जो थे वो एक साइड में थे, और उनके अगेंस्ट में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। अब यहाँ पे हमें इंडिया का नाम तो दिखता नहीं है, फिर भी क्योंकि इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर आता था तो इंडियंस ने ये अपनी ड्यूटी समझी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये अपनी ड्यूटी समझी कि उन्हें ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए। और उन्होंने सोचा, तो उस टाइम पे सपोर्ट के नाम पे हमने क्या किया था, तो 13 लाख इंडियन सोल्जर्स तो जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में उस टाइम पे थे जो वर्ल्ड वॉर 1 के लिए गई थी। और उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन होंगी अराउंड 25 करोड़, तो 25 करोड़ पे 13 लाख लोग जो थे वो गए थे, और उसमें से 50,000 लोग शहीद हो गए थे। और उसके बदले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक वॉर मेमोरियल बना दिया इंडिया गेट पे नई दिल्ली में। लेकिन हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है या हमारे लीडर्स ने, उन्होंने क्यों सपोर्ट किया था, उनके सपोर्ट करने का रीजन ये था कि अगर वो लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे तो वो इंडिया को उनकी लॉयल्टी का इनाम देंगे, और इनाम के तौर पे वो लोग उनको स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। सेल्फ गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के अंडर काम करने वाली, ऐसा। बट होता क्या है कि ब्रिटिशर्स तो धोखेबाज निकले, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मौली मिंटो रिफॉर्म के नाम पे जो लॉलीपॉप दी गई थी इंडियन नेशनलिस्ट को, धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि मौली मिंटो से उन्हें कोई फायदा, वो सिर्फ नाम मात्र के रिफॉर्म्स हैं। ये इंडियन नेशनल को समझ में आ गया था। और तिलक जो है वो अपनी 6 साल जेल में काटने के बाद वो लौट के आ गए थे। और तिलक के जाने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में आज तक कुछ इतना बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं था, या कुछ इतना खास काम हुआ नहीं था। आयरलैंड में भी ऐसे कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में एक होम रूल मूवमेंट या होम रूल लीग तैयार हुई थी, और वहीं से इंडियंस भी जो थे वो इंस्पायर हुए होम रूल लीग बनाने के लिए। तो इंडिया में एक साथ दो होम रूल लीग बनी, एक तिलक ने बनाई होम रूल लीग 28 अप्रैल 1916 को, और दूसरी होम रूल लीग एनी बेसेंट ने बनाई थी 3 सितंबर 1916 को। तिलक का जो वर्किंग एरिया था वो था महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिरार और सेंट्रल प्रोविंसेस में, और जो बाकी का पूरा कंट्री है उसमें एनी बेसेंट इस लीग के लिए काम कर रही थी। होम रूल लीग का मेन एम क्या था? तो होम रूल लीग का मेन एम था कि उन्हें होम रूल चाहिए था, और वो चाहते थे उन्हें ये डोमिनियन स्टेटस मिले ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनके पीछे। ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी कंट्रीज में चल रहा था। उसके अलावा कुछ और डिमांड थी, जैसे वो चाहते थे कि जो स्टेट बने, अगले जो स्टेट बने वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने, मतलब भाषा के आधार पे स्टेट्स बने। और उसके अलावा जो एजुकेशन है वो यहीं की भाषा में दी जाए, ना कि इंग्लिश में। इसके अलावा एक और होम रूल सोसाइटी थी लंदन में जो बनी थी 1905 में। इसका जो इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट है उसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं है। जो होम रूल सोसाइटी लंदन में बनी थी वो बनाई गई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा के द्वारा। लाला लाजपत राय ने भी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की अमेरिका न्यूयॉर्क में 1917 में, और ये तिलक के साथ कोऑर्डिनेट करके इनका जो होम रूल लीग था वो चलता था। इस होम रूल मूवमेंट ने एक्सट्रीमिस्ट और मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को एक साथ कर दिया था, एक यूनिटी बना दी थी, और सब मिलके होम रूल की डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा जो होम रूल लीग है इसने एक नई जिंदगी दी थी जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसको, और इसमें अब एक बहुत ही बड़े पैमाने पे जो वुमेन है वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी। होम रूल लीग के मेथड क्या थे? सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, बाल गंगाधर तिलक जो है वो मराठा और केसरी जो उनका न्यूज़पेपर है उसमें बताते थे होम रूल लीग के बारे में, और लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करते थे। और एनी बेसेंट अपने न्यूज़पेपर न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ में इसके बारे में लिखती थी। फिर उनके अलावा पब्लिक मीटिंग्स होती थी जिसमें जो लीडर्स हैं वो स्पीचेस देते थे। होम रूल लीग का जो काम था वो साल में 365 दिन चलता था, और ये शहर शहर गांव गांव जाके
स्पीच दे दे के लोगों को अवेयर करते थे कि होम रूल चाहिए, कैसे मिलेगा, हम क्या कर रहे हैं. एक्चुअली वो पूरा अपना जो सिनेरियो है वो एक्सप्लेन करते थे. इन लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था कंट्री में होम रूल के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो थोड़ा सा अलार्म हो गई थी, और उन्होंने एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया था जून 1917 में. और एनी बेसेंट को अरेस्ट करते ही एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो गया था, और इस प्रोटेस्ट में इतना बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद जो मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में उनका साथ दिया और लीग ज्वाइन कर ली. और इसके बाद जो बेसेंट है एनी बेसेंट, उनको रिलीज कर दिया गया सितंबर 1917 में. इसके बाद आया अगस्त 1917 डिक्लेरेशन बाय मॉन्टेगू, और इसमें सेल्फ रूल देने की बात की गई. इसमें मॉन्टेगू ने बोला कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा जिसमें सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे इंडिया में, हम आगे देखेंगे डिटेल में. इसके बाद जो होम रूल है उसका एंड हो गया, होम रूल लीग का.